नमस्ते, सौरभ कुमार गौड़, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पिछले 2-3 दिन से सुर्खियों में एक ऐसा टॉपिक हम सभी के बीच में है, न्यू व्हीकल एक्ट नाम का। हम सभी युवा या हम सभी से मिलने वाले नौजवान युवा जो हम सभी से मिलते हैं या अपनी प्रतिक्रिया को फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं या व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। 2-3 दिन से ज्वलंत मुद्दा यह है कि जब भी मैं सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा हूँ, जब भी मैं फेसबुक या व्हाट्सएप चलाता हूँ तो देखता हूँ कि आज का युवा, आज का नौजवान न्यू व्हीकल एक्ट को लेकर काफी जो है क्रोध में है और न्यू व्हीकल एक्ट को ना ही वो सही से समझ पा रहा है और ना ही वो समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं एक आम बात होती जा रही है और इस देश में बीते कुछ सालों में अगर देखा जाए तो ये पाया जाएगा कि सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में जो है कि दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। सरकार को एक ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ा ताकि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहे। आज एक नौजवान जब घर से बाइक उठाता है तो उसे अपनी परवाह नहीं रहती है, अपने जान की परवाह नहीं रहती है और वो बिना ही हेलमेट का प्रयोग किए हुए, बिना वो 18 वर्ष की आयु को पूरा किए बगैर वो सड़क पे या शहर में बहुत ही धड़ल्ले से अपने गाड़ी के वाहनों को चलाता है और वो भी इतना तेज चलाता है कि एक अगर मेच्योर व्यक्ति रहेगा तो नहीं चलाएगा। सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है और न्यू व्हीकल एक्ट के माध्यम से ये चलान का जो फीस है, जो ये पैसा है, वो बढ़ाया इसलिए गया ताकि हम युवा, हम नौजवान उस 2000 रुपया, उस 5000 रुपया, उस 10000 रुपया और उस 15000 रुपया के वजह से ही हम घर से हेलमेट पहन के निकलेंगे। हम गाड़ी तभी चलाएंगे जब हम 18 प्लस होंगे। उसी पैसे की वजह से आज हम अपने जो है कि ना जानते भी मैं अपने जान के लिए या अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सुरक्षा को अपने साथ सुरक्षा कवच लेके चलेंगे। क्योंकि एक युवा, एक नौजवान सोच नहीं पाता है, हम जैसे नौजवान सोच नहीं पाते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, हेलमेट ना लगाने की वजह से जो है कि कम आयु में गाड़ी जो है चलाने की वजह से कितना बड़ा नुकसान जब दुर्घटना हो जाती है एक हमारी या हमारे भाइयों की, नौजवान साथियों की दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। परिवार उस वो पिता जो जीते अपने पुत्र की अर्थी को अपने कंधे पर उठा के ले जाता है, उस पिता से पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीतती है। उस माता से पूछिए जो अपने बच्चों में अपने बुढ़ापे का सहारा देखती है, वो माता अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों के रूप में वो लाठी और वो चश्मा को देखती है। वो बहन प्रत्येक रक्षाबंधन पे अपने भाई के कलाई को भूलने पे मजबूर होती है। हम युवा, हम नौजवान निश्चित रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है। हम सभी नौजवानों को, हम सभी शिक्षित वर्ग के प्राणियों को इस ऐतिहासिक फैसले को सलाम करना चाहिए। ये जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है निश्चित रूप से हम सभी की सलामती के लिए लिया गया है ताकि हम डरे। वो पैसा जो हम लोग देंगे शासन को, जो हम लोग चलान के रूप में देंगे, उससे हम लोग डरे, उस डर के वजह से ही हम हेलमेट पहन के घर से निकले, उस डर की वजह से ही हम कम स्पीड में बाइक चलाए, उस डर की वजह से ही हमारे गार्जियन अगर 18 प्लस लड़का नहीं है तो उसे उस डर की वजह से ही बाइक ना दे। अगर ऐसा होता है निश्चित तौर पे 2000 की जगह 20000 भी देना पड़ जाता है और हमारे यहाँ के जो नागरिक है, हमारे भाई है, हमारे अभिभावक है, अगर उस रकम से ही या उस पैसे से ही, उस चलान के पैसे से ही डर के अपने आप को सुरक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अहम फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक फैसला है। हम सभी को उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।